एक बहुत ही प्यारा जंगल था। उस जंगल में खरखर नाम का एक शेर रहता था। शेर रोज शिकार करता और अपना पेट भरता था। एक दिन खरखर शिकार की तलाश में बहुत दूर निकल गया। अब तो शाम भी हो चुकी थी और वो चलते चलते थक के चूर भी हो गया था, लेकिन अभी तक उससे कोई भी शिकार नहीं मिला था। चलते चलते उसे एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी। वो गुफा बहुत ही पुरानी लग रही थी और बहुत भयानक थी। शेर गुफा के अंदर जा पहुंचा। अंदर जाकर शेर ने पाया कि गुफा तो एकदम खाली है। शेर ने सोचा कि इस गुफा में रहने वाला जानवर शायद बाहर गया है, रात होते होते वो ज़रूर लौट के आएगा। ऐसा विचार करके शेर वहीं गुफा में रुक गया। शेर बैठकर सोचने लगा कि मैं बहुत थक गया हूँ, यहीं छुपकर बैठ जाता हूँ और जब वो जानवर आएगा तो आक्रमण करके उसे मारकर खा जाऊँगा। इस तरह से मेरा आराम भी हो जाएगा और मेरी भूख भी शांत हो जाएगी। ऐसा प्लान बनाकर शेर वहीं गुफा में छुप गया। यह गुफा दक्षिपुक्ष नाम के गीदड़ की थी। गीदड़ किसी काम से बाहर गया हुआ था, सो गुफा खाली थी। खरखर इस बात से अनजान था कि दक्षिपुक्ष बहुत ही शातिर और चालाक दिमाग का गीदड़ है। जब दक्षिपुक्ष लौटा तो उसने गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पंजों के निशान देखे। पंजों के निशान गुफा के अंदर तो जा रहे थे, लेकिन गुफा से बाहर आते हुए पंजों के निशान गीदड़ को नहीं दिखे। सो वो तुरंत भाप गया कि मेरी गुफा के अंदर कोई शेर बैठा है। अब गीदड़ ने युक्ति लगाई कि कैसे अपनी जान बचाई जाए और गुफा को खरखर नाम के शेर से आज़ाद कराया जाए। यह पता लगाने के लिए कि खरखर गुफा के अंदर है या नहीं, उसने एक युक्ति निकाली। दक्षिपुक्ष तेज आवाज़ में चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा कि हे गुफा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुमने तो कहा था कि जब मैं वापस आऊँगा तो तुम मेरा स्वागत करोगी, लेकिन मैं कितनी देर से बाहर खड़ा हूँ, तुम तो मेरा स्वागत ही नहीं कर रही हो। यहाँ तक कि तुम कुछ बोल भी नहीं रही हो, तो मैं क्या करूँ, यहाँ से बाहर चला जाऊँ? खरखर शेर के कानों में जब ये आवाज़ पड़ी तो वो उसने समझा कि ये गुफा ज़रूर बोलती होगी। मैं यहाँ छुपा बैठा हूँ, इसीलिए ये डर के मारे कुछ बोल नहीं रही है। अगर ये गुफा ऐसे ही नहीं बोली तो ये गीदड़ भाग जाएगा, इसीलिए मैं कुछ करता हूँ। ऐसा सोचकर शेर बोलने लगा कि आओ आओ, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। गुफा में से जब ऐसी आवाज़ें आईं तो शातिर और चालाक गीदड़ समझ गया कि गुफा के अंदर शेर अभी भी मौजूद है। इसीलिए उसने बिना समय गवाए अपनी राह बदली और वापस जंगल की तरफ लौट गया। खरखर को जब बहुत देर तक कोई आहट ना मालूम हुई तो उसने गुफा के बाहर निकलकर देखा। जब वो गुफा के बाहर आया तो उसने देखा कि बाहर तो कोई भी नहीं है। तुरंत वो समझ गया कि ये सब उस गीदड़ की चाल थी, ये पता लगाने के लिए कि गुफा के अंदर कोई मौजूद है या नहीं। इस तरह शेर अपनी मूर्खता पर पछताता रहा। ना तो उसे आराम ही मिला और ना ही उसकी भूख मिटी। इस तरह शेर वापस रात होते होते अपने जंगल की तरफ लौट गया। तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भविष्य के खतरे को भांपकर जो बचने की युक्ति निकाल लेता है वही बुद्धिमान कहलाता है। इसीलिए हर काम बुद्धिमानी पूर्वक करना चाहिए। जल्दबाजी में किया गया काम कभी कभी आपकी खुद की जान को खतरे में डाल सकता है। प्यारे बच्चों, मुझे आपसे एक शिकायत है। आप वीडियो को देखते तो हैं लेकिन ना तो उसे लाइक करते हैं
और ना ही सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ आपको सुनाती रहूं, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को खूब सारा प्यार देते हुए लाइक और कमेंट भी किया कीजिए। बाय बाय प्यारे बच्चों, आपको ढेर सारा प्यार। मिलूंगी अगले वीडियो में। बाय बाय।